यूपी बोर्ड 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आपके अपने फ्री विद्या पाओ कोचिंग चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर आप 10th में हैं, 9th में हैं या किसी भी क्लास में हैं, अगर आपको स्टोरी बनाने में दिक्कत आती है, बेसिकली ये वीडियो 10th के स्टूडेंट्स के लिए, 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर से, जी हाँ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर का वीडियो डाल दिया। ये सेकेंड पार्ट है आपका मॉडल पेपर से, तो ये मॉडल पेपर की स्टोरी ली गई है, तो इस स्टोरी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये लिखा है ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। फर्स्ट सेंटेंस, तो आपको पता होगा था थी थे आने पर वो बाज वर का प्रयोग होता है, बाज वर, बसरते, बसरते उसमें क्या है, क्या नाम, फाइनाइट वर्ब ना हो, फाइनाइट वर्ब ना हो, ठीक है। फाइनाइट वर्ब से मतलब है इस तरह से, मान लियो वर्ब कह रहता था, जाता था, तो भी तो था आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब आ रही है, रहना जाना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो योग अध्यापक थे, तो यहाँ पर देखिए हम सब्जेक्ट इसमें उठाएंगे, सब्जेक्ट है ईश्वर चंद विद्यासागर, ये एक सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक मिनट, ईश्वर, ठीक है, चंद्र, कैपिटल लेटर से हमेशा प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, विद्यासागर, वी कैपिटल बनाएंगे, विद्या सागर, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में अब आएगी ये वर्ब अध्यापक थे, तो ईश्वर चंद विद्यासागर सिंगुलर है कि नहीं, तो सिंगुलर के साथ में तुरंत बाद लग जाएगा वाज, लग जाएगा वाज के आगे, देखिए क्या करेंगे, वाज के आगे एक योग्य अध्यापक, यही तो रह गया, वाज के बाद में ए योग्य की आप देखिए क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, योग्य, एग्जाम में देखिए आप फंस फंस जाते हैं, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता दूं, योग्य अध्यापक थे, आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कर देंगे इंटेलिजेंट, योग्य थे मतलब इंटेलिजेंट थे, बस अब ध्यान क्या रखना है, इंटेलिजेंट में आई वॉवेल है, प्रोनाउंसिएशन ई से हो रहा है, मतलब जो वॉवेल में हिंदी में आता है, तो यहाँ पर ए की जगह एन हो जाएगा, तो हो जाएगा एन इंटेलिजेंट, फिर अध्यापक की आप जानते हैं टीचर, ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। फिर और आगे समझिए, योग्य की अंग्रेजी के, ऐसा तो नहीं सिर्फ इंटेलिजेंट, ये तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, क्वालिफाइड लिख सकते हैं, बाज के बाद में ए, ए के बाद क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, QUALIFIED, क्वालिफाइड टीचर हो गया, ठीक है, इस तरह से आप योग्य की अंग्रेजी लिख सकते हैं, जो भी आपको आती है, कुछ भी नहीं आता है ऐसा जरूरी थोड़ी, योग्य की आप लिख दो गुड टीचर, ईश्वर चंद विद्यासागर वाज ए गुड टीचर, अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं समझता गुड टीचर लिख दो तब भी तो सही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, अब देखिए इसमें भी था रहा है, तो आप कहोगे इसमें वाज लगा दे, अभी तो आपने बताया था वाज ना, अब इसमें क्या पढ़ना, सॉरी इसमें आते थे, आना वर्ब है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, लिखेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स, आते थे से मतलब आया करते थे मेरे प्यारे बच्चों, जहां हैबिचुअल एक्शन होता है, क्या होता है हैबिचुअल एक्शन, वहां पर हम यूज्ड टू प्लस बी वन का प्रयोग करते हैं, हैबिचुअल एक्शन जहां पर आता है, आते थे को आप ऐसे समझिए आया करते थे, ठीक है, आया करते थे, तो ये उनकी वो हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो हम उसी तरीके से बनाएंगे, हैबिचुअल एक्शन में बनाएंगे, वैसे आप नॉर्मली कैम भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आते थे यूज्ड टू कम उनके पास, टू हिम उनके पास, हिम किनके पास, विद्यासागर के पास, काहे के लिए, फॉर स्टडी, या टू स्टडी भी आप लिख सकते हैं, फॉर स्टडी या टू स्टडी, ठीक है, बाकी समझ में आया। यहाँ पर आप इतना पूरा हटा दें, स्टूडेंट्स यहाँ कर दें केम टू हिम फॉर स्टडी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, तो ये जो लिखना वर्ब है किसके द्वारा, सब्जेक्ट देखेंगे विद्यासागर, इन्हीं ने तो किताब लिखी है, तो फिर लिखेंगे विद्यासागर, बार बार विद्यासागर क्यों लिखेंगे, ही लिख देंगे, ठीक। लिखी सीधा वर्ब के पास आ जाएंगे सेकेंड फॉर्म, तो एक पुस्तक लिखी, लिखना की सेकेंड फॉर्म रोट, क्या लिखी, एक पुस्तक, ऑब्जेक्ट अ बुक, ही रोट अ बुक, काहे के लिए, काहे के लिए लिखी, नहीं, सॉरी, व्याकरण की पुस्तक लिखी, तो ही रोट ए, ए के बाद हम यहाँ जोड़ देंगे, इस जगह पे जोड़ेंगे ग्रामर बुक, क्या जोड़ेंगे, व्याकरण की पुस्तक, पूरा ऑब्जेक्ट होगा, क्या लिखी, ग्रामर की पुस्तक, तो बनेगा सेंटेंस ही रोट ए ग्रामर बुक, ठीक है। ग्रामर बुक के आगे क्या रह गया, इतना और रह गया, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी सबसे पहले उठाएंगे फॉर, ठीक, फॉर द सुविधा की क्या होती है, कंफर्ट, COMFORT, फॉर द कंफर्ट किसकी, विद्यार्थियों की, ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ कन्वेंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, उन्होंने मतलब ही अनेक कार्य किए, वर्ब उठाएंगे, सेकेंड फॉर्म करना कि डिड, अनेक, ही माने उन्होंने, डिड माने किए, क्या कि अनेक कार्य, अनेक की अंग्रेजी, मैनी, ही डिड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, ही डिड मैनी थिंग्स की जगह आप टास्क लिख सकते हैं, TASK, टास्क माने कार्य, ठीक है, ही डिड मैनी टास्क, बहुत सारे कार्य किए, अब क्या रह गया किसके लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए, इतना ही तो रह गया, फॉर द उन्नति के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ शिक्षा, एजुकेशन, EDUCATI, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, फॉर द बेनिफिट, प्रोग्रेस की जगह बेनिफिट लिख सकते हो, फायदे के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी होगी, इसके आगे हमने इसी में एक रीडिंग पोर्शन से, अनसोल्व पेपर से ही रीडिंग पोर्शन लिया, और नीचे दो क्वेश्चन दिए गए, आंसर आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको हिंदी यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई हिंदी बताने वाला है नहीं, ट्रांसलेट करने वाला है नहीं, हम यही मान के चलते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे और हमें कुछ नहीं आता, इसको सिर्फ आइडिया लेंगे कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है, हिंदी नहीं बताएंगे, सीधा आंसर निकालना उस आपको हम सिखाएंगे। तो देख लेते हैं, लिखा है वांडा डिड नॉट हैव, मेरे साथ में पढ़ते जाइए, एनी फ्रेंड, मतलब इसका समझ में आता है तो अच्छी बात, वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। फिर लिखा है सी सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, सी केम टू एलोन एंड वेंट होम एलोन। इसके बाद है सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। आगे लिखा है समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्पॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हर ड्रेस, यहाँ जो ये लड़की है इसकी ड्रेस की डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, देखेंगे जल्दी से, एग्ज़ाम में टाइम तो कम होता है, ये देखेंगे ड्रेस के बारे में कहाँ दिया गया है, तो एकदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहाँ कहीं हमें ड्रेस मिलेगा उसके आगे पीछे के सेंटेंस देखेंगे, ये लिखा ड्रेस, तो यहाँ पर अब देखिए लिखा सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। तो ड्रेस का डिस्क्रिप्शन यही दिया गया है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पूछा गया वर्णन, तो बड़ा क्वेश्चन तो आंसर तो हो ही जाएगा, सी ऑलवेज वोर अ फेडेड, वह हमेशा वोर माने पहनती थी, फेडेड माने क्या नाम, गंदी संदी कह सकते हैं या सिकुड़ी हुई ब्लू ड्रेस, नीली ड्रेस पहनती थी, दैट शुड नॉट हैंग राइट, जो कि उसको उस पर सूट नहीं करती थी, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो, वो साफ तो होती थी
ड्रेस साफ तो होती थी क्लीन, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था कभी भी उस पर अच्छी तरह से आयरन नहीं की गई है, प्रेस नहीं की गई है। इसके बाद में सेंटेंस यहाँ से बदल गया, तो आपका मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्राइब हर ड्रेस, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो सीधा सीधा इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक आपका बन जाएगा, ठीक है, बगैर कुछ सोचे समझे सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है व्हाट एंड वेयर डिड लिटिल गर्ल्स प्ले, व्हाट एंड वेयर डिड लिटिल गर्ल्स प्ले, व्हाट माने क्या और वेयर माने कहाँ, छोटी लड़कियाँ क्या और कहाँ खेलती थी, क्या और कहाँ खेलती थी। अब खेलना इसमें देखें हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, समटाइम्स दे सराउंडेड इन हर द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले, ये प्ले हमें मिल गया यहाँ पे। हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, ये क्या खेलती थी, ये खेल लिखा है, क्या खेलती थी, हॉप स्कॉच, कहाँ, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे, अब देखिए आंसर कहाँ से लिखेंगे, वेयर, तो आंसर अब हम इसमें से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर अगर हम क्वेश्चन से आंसर की शुरुआत करते हैं तो इसमें आएगा लिटिल गर्ल्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट है लिटिल गर्ल्स, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लिख देंगे लिटिल गर्ल्स, ठीक। अब डिड था तो प्ले की सेकेंड फॉर्म इसमें आ जाएगी प्लेड, प्लेड के आगे अब हम यहाँ से उठाएंगे प्लेड क्या खेलती थी ये, और उस कहाँ खेलती थी इस जगह पे, ठीक है। तो प्लेड के आगे हम लिखेंगे ये जो लिखा है हॉप स्कॉच ऑन द वार्न हार्ड ग्राउंड, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये रीडिंग का पोर्शन हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूँ तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते रहें और बहुत अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।